नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। महाराष्ट्र के पूरे शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अभिनेता शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी के आधार पर फर्जीवाड़े का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है। नकली नोट छापने के धंधे में IT डिप्लोमा वाले युवक भी शामिल रहे। पहले उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू किया, ये कारोबार सही से नहीं चल पाया तो उन्होंने नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल डाली। जानकारी के अनुसार देहू रोड थाने के पुलिस कर्मचारी किशोर परदेसी को इस बारे में सूचना मिली थी कि मुकई चौक परिसर में ऋतिक चंद्रमणि खड़से नाम का एक व्यक्ति जाली नोट को वितरित करने के लिए आने वाला था। इसके बाद पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसके पास से 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला। खुद को बुरी तरह से फंसता हुआ देखकर आरोपी ने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने मैगजीन चौक स्थित एक कारखाने पर छापेमारी की। इस वारदात में शामिल अन्य 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना स्थल से एक प्रिंटिंग मशीन भी बरामद कर ली है। इस प्रिंटिंग मशीन की मदद से ये गिरोह अपना गोरख धंधा चलाते थे। जांच के दौरान इन सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया कि उन्होंने नोट की छपाई के लिए Alibaba.com नाम की वेबसाइट से कागज मंगाया था जो उन्हें चाइना से भेजा गया था। वहीं आरोपियों के पास से 70,000 के नकदी नोट बरामद हुए हैं। पुणे पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों ने नकली नोटों को मार्केट में सर्कुलेट किया है या नहीं। साथ ही पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी है। इस मामले में पुलिस ने इस बात की जाँच शुरू कर दी है कि गिरोह की मदद किसने की और उन्होंने कैसे नोट तैयार किए। आपको बता दें कि शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जिसे देखकर इन आरोपियों ने जाली नोट का गोरख धंधा शुरू किया। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।